ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक चीज बहन जी बता रही थी कि यज्ञ की हिस्ट्री सुनाओ। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी आश्रम कब और कैसे शुरू हुआ, उसने कैसे क्या क्या पड़ाव पार किए हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचा। शुरू में आप देखेंगे कि किसी को भारत के अंदर कहीं भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, भक्ति का ज्ञान है। हाँ, राम था परिवार में, रामायण हुआ, सीता चोरी के करके गए, लड़ाई किया, श्री कृष्ण ने दूसरे पांडवों के प्रति लड़ाई करना पड़ा, तो ये सब कहानियाँ हैं। लेकिन एक ज्ञान अलग है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या होता है, दुख का सुख का कारण क्या है, तो ये ज्ञान है। तो ये ज्ञान भारत में कहीं भी, कोई धर्मों में, किधर भी नहीं। तो अब शुरू में जब इस सृष्टि पर भगवान ने सृष्टि रची थी, सुख देने के लिए, किसी को दुख देने के लिए नहीं। भारत एक ही खंड था, अभी 5 खंड हो गए, पहले एक ही था। और उस भारत में देवी देवताएं रहते थे, इसलिए आज भी देवी देवताओं के चित्र है घर में, वही पूर्वज है, वही माँ बाप है। लेकिन तो भी जन्म बाय जन्म जन्म अंत में मनुष्य को सुख नहीं। अति वृष्टि हुई, अति गर्मी है, बीमारियां है बहुत, युद्ध बहुत हुए, तो ये सब देखने के बाद अंत में समय आया, तब स्वयं निराकार जो सृष्टि का रचयिता है, तो स्वयं एक साधारण तन में प्रवेश करता है। तो वो भी कौन, 60 साल के आयु के थे, दादा लेखराज करके कराची में, पहले भारत सब एक ही था, अलग नहीं था। तो उनके घर में एक व्यवस्था थी, कोई भी साधु संत आया, उनका प्रवचन सुनना है, उनको दक्षिणा देना है, उनको खाना खिलाना है। तो एक दिन दादा के बॉम्बे में भी ऑफिस था, कलकत्ता में भी था, हीरे जवाहरात का बिजनेस था। एक बार घर में आए थे, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के थे, एक लड़के को शादी नहीं किया, बड़े लड़के को शादी किया, 3 लड़कियों को भी शादी किया है, सब समृद्ध, कुछ ज्ञान ऐसे कुछ नहीं था। और एक विष्णु की पूजा करते थे रोज, रोज स्नान करने के बाद गीता पढ़ते थे। तो एक दफा घर में आए थे, तब कोई साधु आया, उस साधु को घर में बुलाया, उसने सभी लोग बैठे, बच्चे परिवार वाले बैठे और कोई नहीं, साधु प्रवचन कर रहा था। बीच में ही दादा लेखराज उठ करके अपने कमरे में गए, लेकिन बड़ी बहू को ये ठीक नहीं लगा, बहू भी बैठी थी, क्योंकि मेहमान घर में आया है, साधु संत है, कुछ सुना रहे, तो दादा बीच में क्यों उठ के गया, उनके युगल के मन में आया नहीं, बहू ने उनके पीछे गई, कमरे में दरवाजा बंद करके बैठे। तो उन्होंने दरवाजा थोड़ा खोला, देखा एकदम चारों तरफ लाल प्रकाश, तब उनको लगा कि ये साधु ने कुछ तंत्र मंत्र किया, क्यों हीरे जवाहरात का बिजनेस है, साधु सन्यासी आजकल ये सब करते हैं, तंत्र मंत्र कुछ किया। तो 2 साल तक उनको बिजनेस में नहीं भेजा, बच्चों करते थे और उनका पार्टनर था कलकत्ता में, वो लोग करते थे। 2 साल तक बहुत साधु सन्यासियों को, ज्योतिषियों को दिखाया, और इनका काम क्या था, सवेरे स्नान किया, गीता पढ़ते थे, और सब बच्चे आके बैठ जाते थे घर वाले। उसके बाद थोड़े दिन के बाद जब भी वो गीता पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो परिवार वालों को श्री कृष्ण दिखाई देता था, जैसे गीता रखी, दादा है, ये रोज होने लगे, एक दिन नहीं। तो ये बात उनके परिवार में फैल गई, कृष्ण को देखना है तो इस समय आना, पहले आजू बाजू आने लगे, फिर परिवार वाले आने लगे। फिर बाबा ने धीरे धीरे क्या किया, कागज लिया, दीवार पर ये आत्मा है, ये शरीर है, ये भी आत्मा का ज्ञान किसी के पास नहीं था, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये संस्कार है, चित्र बना के दिखाना शुरू किया।
ऐसे पढ़ाते पढ़ाते 50-60 माताएं भाई बहन सब आने लगे रोज, उनके बच्चे, जैसे जानकी दादी है, गुलजार दादी है, गुलजार दादी के दो बच्चे थे, लड़कियां थी, बहनें थी, दादी प्रकाशवाणी की तीन बहनें थी और उनका पिताजी ज्योतिषी था। उन्होंने पिताजी ने कहा दादा बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता है, तब 7वीं 8वीं में बच्चे पढ़ते थे, पिताजी ने स्वयं कहा जाओ जाके सत्संग में बैठो, वहाँ जाके सुनो। तब पिताजी ने उनको बचा, उनका पिताजी ज्योतिषी था, तीन लड़कियां थी, तो ऐसे 80 भाई बहने सभी उधर आते, छोटे छोटे बच्चे तक, बच्चों का हॉस्टल खोला, उनको कपड़े सिलाना कैसे पढ़ाया, सारे घर में वही बाबा ने अपने तन मन धन से 2 साल रहे, बिजनेस में नहीं गए, पूरा अपना खर्चे से मकान अलग बनाया, ऐसा शुरू हो गए। तो ये कौन कर रहा था, प्रश्न इधर आया, गीता के अंदर ऐसा ज्ञान नहीं, श्री कृष्ण कैसे दिखाया था। फिर धीरे धीरे बहुत आने लगे, ओम की धुनि करने लगे, जैसे ओम की किया, बहुत छोटे छोटे बच्चे ट्रांस में जाते थे, स्वर्ग देखते थे, वैकुंठ देखते थे, श्री कृष्ण लीला देखते थे। जैसे ओम की धुनि बंद हो गया, खत्म, तो माँ बाप माताएं भी अपने बच्चों को सबको ले आने लगे कि ध्यान में जा रहे, बच्चे पवित्र है, स्वच्छ होते हैं। तो ऐसे करके संस्था चली। चलने के बाद जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, तो भी पाकिस्तान वाले कहते थे पूरी सब्जी आप फ्री ले जाओ, घर तक पहुंचा देते थे, इतने लोगों को सब्जी अनाज चाहिए, गवर्नमेंट भी आपको जो अनाज चाहिए, कलेक्टर भी ट्रक भर के घर में भेजता था सब्जी, अच्छी अच्छी सब्जी उनके पास पहले लेके जाओ, अल्लाह लोग है, भगवान के बच्चे हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं थी गवर्नमेंट की, लोगों की, सबके। तो भी लगा कि भारत में आना चाहिए। तो भारत में दादी दीदी मनमोहिनी थी, दादी के साथ बाबा के यज्ञ में, उनका भाई का बॉम्बे में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जस्टलोक हॉस्पिटल, बहुत बड़ा, जैसे टाटा हॉस्पिटल है, जस्टलोक हॉस्पिटल करके बॉम्बे में, तो उनका भाई बॉम्बे में हॉस्पिटल चलाता था। तो उन्होंने बहन को बोला कि पाकिस्तान इंडिया अलग होगा, आप पाकिस्तान में नहीं रहो, इंडिया में आओ, बाबा को बताओ कहाँ आओ, 2-3 जगह बताया, हरिद्वार में आओ, अहमदाबाद में भी कहीं देखा, फिर माउंट भी देखा, ऐसे जगह पर आओ। फिर उस समय ऐसे था कि बच्चे जो ट्रांस पे जाते थे, कुछ पता नहीं कौन, वो पूछ के आते थे कि नहीं आप इधर जाओ, आप इधर जाओ। तो 1950 में माउंट अबू में आए, तो गवर्नमेंट में उनको रहने के लिए मकान दिया, सर्किट हाउस, वहाँ आके रहे, वहाँ रह करके फिर जमीन ले, जो मधुबन की जमीन है राजा भरतपुर राजा की, वहाँ घोड़े बांधते थे, तो वो उनसे जमीन लिया। तो मधुबन में जो बाबा का कमरा, वो भी मकान अभी तक ऐसा ही रखा है। और यहाँ आने के बाद कराची से यहाँ तक सभी कितने 80 भाई बहने थी, सब कुछ नहीं करना, अपना खाना बना, अपना कपड़े धोना, बाहर गेट के बाहर क्या हो रहा किसी को पता नहीं, और साधना करना, ध्यान करने बैठते थे, ओम की धुनी, बाबा सवेरे ज्ञान सुनाता था, ज्ञान सुना के सभी को घूमने लेके जाता था, दिन में 10:30-11 बजे खाना, 2 दफा खाना, सवेरे नाश्ता नहीं, 10 बजे 10, 10:30, 11 बजे खाना, शाम को 5-6 बजे खाना, तो उस समय क्योंकि लाइट भी नहीं होती थी, तो जल्दी सो जाओ, जल्दी सवेरे उठो। ऐसा करते करते जब ये बड़े बहने कन्याएं जो थी बड़ी हो गई, सबको बाबा ने कहा अब बाहर जाके ज्ञान सुनाओ, 14 साल तक बाहर नहीं भेजा, सिखाया सब कुछ, सिखा के तैयार किया। जैसे आपके कानपुर में गंगे दादी करके आई, और मनोहर दादी करके थी, मनोहर दादी को भेजा दिल्ली में, कोई पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, कहा टिकट निकाल के दिया, आप दिल्ली में जाओ, कहाँ जाएंगे, भाषा हिंदी भी इतने आती नहीं है, क्या सुनाएंगे, भगवान भेज रहा है,
कौन भेज रहा है, कहाँ जाएंगे, न मकान है न कुछ है। दिल्ली में जमुना के कंठे पर आए, वहाँ एक पहलवान, ये मंदिर था दुर्गा देवी का, वहाँ सारे पहलवान 8-10 पहलवान पहलवानी कुश्ती खेलते थे। तो वो मनोहर दादी करके थी, गंगे दादी, तो आगरा इधर आई और वो उधर गई, वो कंठे पर मंदिर में बैठी रही। एक माताजी गिंडी लेके मंदिर में पूजा करने आई, जाते समय देखा सफ़ेद कपड़े पहन करके बैठी है, आते समय बेटा माता जी आप इधर ही बैठेंगे, देखा 1-2 घंटा लगा आप इधर ही बैठे हो, तो भगवान ने भेजा है, भगवान ने भेजा, चलो हमारे घर में चलो नाश्ता करो, नहीं हम किसी का घर का किसी का खाते नहीं है, भगवान खिलाएगा। तो मैं दूध भेजती हूँ फल भेजती हूँ, तो दूध फल भेजा, बुलाई तो गई नहीं, फिर दोबारा रात शाम हो गए, फिर आई देखा इधर ही बैठी, शाम को मंदिर में आई इधर ही बैठे हैं, तो माता जी आप इधर बैठ के क्या करेंगे, चलो घर में आपको जैसे चेक करो, आप अलग कमरा है सब कुछ अलग रहो। तो रात को गई, उनके परिवार वालों को सबको ज्ञान सुनाया, सबको लगा कि देवी आई है। उस माता जी ने कहा आप इधर ही रहो, अपना खाना बना के खाओ, यहाँ रोज ज्ञान सुनाओ। देखो भगवान कैसे पीछे मदद करता है। और उधर पहलवान जो खेलते थे उसमें एक पहलवान आज भी है, वो मधुबन में आता है, कहता है जब हम थे पहलवानी करते थे, ये दादी जी आके बैठते थे वहां और हम भी सुनते, हमको भी ज्ञान सुनाया, वो पहलवान एक आज भी दिल्ली में है, माउंट में आता रहता है अभी भी। तो कैसे ऐसे गुलजार, लखनऊ में गवर्नर ने इतना बड़ा मकान दिया, अभी भी लास्ट एक साल पहले आया था मैं, तो वहाँ मम्मा 5 साल रही, दादी प्रकाशमणि, गंगे दादी, गुलजार दादी 5 साल रहे, सब दादियाँ लखनऊ में, मेरे ख्याल से क्या कहते गवर्नर हाउस है बहुत बड़ा, अभी भी पुराना है, 100 रुपया भाड़ा है आज भी, सीढ़ी इधर से इधर पाँव रखना है, वो बेच भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते, मंजू बहन करके उधर है, छोड़ भी नहीं सकते। अभी उन्होंने अंदर सारा प्लास्टरिंग करके बहुत अच्छा एसी लगाया हॉल में, पहले मैं गया था बंद, घुटन आवाज नहीं आती थी, अब देखा अच्छा सा किया है। तो उधर अपने दादियों ने रह करके सब सेवा किया, ये सब वृद्धि कैसे हुई, भगवान ने एक एक को जो 80 बहनें थी उन सबको बाहर इधर उधर भेजा, एक को बेंगलुरु में भेजा हृदय पुष्पा दादी करके, उनको हिंदी भी नहीं आती है, उधर कर्नाटक है, अभी जानकी दादी पढ़ी लिखी नहीं, इनको विदेश भेजा, तो कैसी बात करेंगे विदेश में, कैसे क्या बोलेंगे। तो एक सिंधी माता मिली, उनके घर में रहे, उन्होंने सिखाया, जयंती बहन करके उनके पिताजी ने मकान दिया, जो जयंती बहन जानकी दादी के पास अभी है। तो ये सब कैसे हुआ, अपने आप नहीं हुआ है, धीरे 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 हुआ और मेहनत से, जैसे धर्म के स्थापना बहुत मेहनत होती है, कोई मानते नहीं है, बहुत कुछ समस्या होती है। देखिए गंगे दादी बता रही थी, कभी कहते आधा बकेट में स्नान किया, पानी भी नहीं मिलता था, खाने के लिए कुछ भी नहीं, रोटी और केला लेके खाया, मांगना नहीं किसी से। तो धर्म की स्थापना करते समय पहले बीज बोते समय कितनी मेहनत होती है, बड़ा झाड़ होने के बाद फूल फल लगते हैं तब अच्छा लगता है। तो कैसे यज्ञ की स्थापना हुई है, उसमें आपको अभी भी आपके कानपुर की बात बताता हूँ, यहाँ कही अभी मुझे भी पता नहीं था, जानता था, अभी मैं एक साल पहले लास्ट सितंबर में 3 दफ़ा कानपुर में आया, लखनऊ कानपुर में 3 दफ़ा आया। दुलारी दादी करके है, जानते हो दुलारी दादी करके, हाँ वहाँ आया पहली दफ़ा, हम नज़दीक से, कभी वो मधुबन में कम आती है, कभी मिले नहीं ज़्यादा। तो उन्होंने कहा अभी इतनी बुजुर्ग हो गई, तो उनकी इच्छा थी, उनके 2 बच्चे थे, पति बिल्कुल कहता था नहीं, कोर्ट में पुलिस के पास लेके गया, सब कुछ किया, लेकिन इनका लक्ष्य था मुझे बाबा का ये ज्ञान सुनना है। और क्या सुना, आई पिताजी उनको दिल्ली में, एक यूनिवर्सिटी इंजीनियर था,
दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है उसका मकान जो बनाया वो उनके पिताजी ने बनाया, हमको भी पता नहीं था। जब बाबा ने मधुबन में, आप कभी गए, वो हिस्ट्री हॉल है छोटा हॉल, वो किसने बनाया अब पता चला ला एक साल पहले। तो बाबा ने कहा, सोचा कि यहाँ मकान नहीं, हॉल नहीं बैठने के लिए, कोई भी इंजीनियर बच्चा हो तो उनको भेजो। तो इसने इसने माता जी ने सुना, बहन बच्चे ने, कि पिताजी को कहा, पिताजी आप नौकरी कर रहे हो किसके लिए? बाबा बुलाता है, ज्ञान में चलते थे थोड़ा सा, बाबा बुलाते हैं मधुबन जाओ, बाबा की मदद करो। तो आए, 7 महीने रह गए, रहकर उन्होंने हिस्ट्री हॉल का प्लान बनाकर हिस्ट्री हॉल बनाया। इंजीनियर था। उसके बाद 7 महीने के थोड़े दिन के बाद शरीर छोड़ के गए। तो उन्होंने बताया, अब देखो उसके बाद वो मधुबन में रही, फिर कानपुर में आई। तो एक बार कानपुर में उनको पाँव में बहुत दर्द हुआ, चल नहीं सकते थे, इतना दर्द हुआ। उनका भाई आज भी दिल्ली में है। तो भाई को पता चला, भाई ने कहा, आओ आपको हम दिल्ली ले जाते हैं। नहीं, बाबा ठीक करेगा, जाने के लिए तैयार नहीं। तो भी भाई लेके गया, मैं ठीक करता हूँ। और उसके बाद मधुबन में शांतिवन में बाबा आता था गुलजार दादी के तन में। तो कोई कानपुर वाले मिलने आए थे, मिल रहे थे, तो बाबा ने पूछा, वो दुलारी बच्ची कहाँ है? बाबा उनको अपना भाई लेके गया, बहुत पाँव दर्द करता है, चल नहीं सकती है। तो बाबा ने तुरंत, तो भोग की थाली में फल रखा था, तो एक आम निकाल के दिया, बच्ची को जाके खिलाना। अब उनको जाके दिल्ली में किसी ने दे दिया, बाबा ने प्रसाद तोली दिया है, तो वो सोच रहे थे कि सभी को बांट के खिलाओ। तो बाबा ने कहा था, बच्ची को खाओ बोलना। तो जैसे उसने शाम को आम खाया, बस अपने आप चलने लगी, दर्द कहाँ गया, अपने आप चलने लगी। तो भगवान, बच्चे जब भगवान को मदद करते हैं तो भगवान भी बंधा हुआ है, भगवान भी उनके ऋणी है। ऐसे मदद नहीं करता है कोई, भगवान किसी का लेता नहीं, लेता है तो पदम गुना देता है। तब कहते हैं भगवान ने दिया है, तब कहते हैं इनका भाग्य है। लेकिन भगवान को मदद करने वाले, भगवान भी उनका ऋणी है। एक ने ऐसे हजारों केस है, अभी भी जीवित है। क्यों बोला? कोई मरने के बाद उनकी महिमा करते हैं, किसको पूछे? अगर आपके मन में कभी संशय हो, दादी मिली अभी भी है कानपुर में, किदवई नगर की किचकत है ना, कहाँ? हाँ, तो इधर ही है पुरवा में, बहुत अच्छा मकान बनाया, बहुत बुजुर्ग हो गई, तो भी जीवित है, कहानी नहीं। कैसे यज्ञ में सब कुछ छोड़कर भगवान का, भगवान को पाने के लिए त्याग किया,